हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे पात गोभी के पकोड़े। तो पात गोभी के लिए हमने बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो पात गोभी को अच्छे से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लें। उसके बाद धनिया पत्ते और अगर आपके पास लहसुन के पत्ते हों तो और भी अच्छा होगा। उसके बाद एक कटोरी इसमें बेसन ऐड कर दें, फिर थोड़े से नमक स्वाद अनुसार, थोड़े से आमचूर पाउडर ऐड कर दें। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च का उपयोग करें ताकि ये बच्चों को भी बहुत पसंद आए। तो इसमें थोड़े से आरा रोट डाल दें, जितने आप बेसन लिए हैं उसका आधा आरा रोट डालें और थोड़े से पानी लेके इस तरीके से गुनगुना हाथों से करते हुए इसे अच्छे से गूँथ लें। पूरा आटे की तरह हमें गूँथना नहीं है, थोड़ा सा हमें गीला ही बनाना है क्योंकि लच्छेदार पकौड़े बनाना थोड़ा सा गीला अगर रहता है तो हमें हाथों से तेल में ऐड नहीं करना है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से जब हम आटों को अच्छे से गूँथ लेंगे तो ये चम्मच की सहायता से एक एक चम्मच हमें इस तरीके से निकालना है और उसे इस तरीके से तेल में ऐड कर देना है। तो थोड़े से अगल बगल से ऐसे फटेंगे बिल्कुल भी, फिर दोबारा से अब जब ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। इस तरीके से आप बनाएं और पूरे परिवार के साथ ठंड में इस तरीके से पकौड़े अगर बन जाएं चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो इस तरीके से आप भी बनाएं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो देखिए ये पकौड़े बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही कम टाइम में बन के ये झटपट रेडी हो जाते हैं। अगर आप पकौड़े जब इस तरीके से कढ़ाई में ऐड कर दें तो चिमचे से या फिर आपके पास जो भी हो उसी चीज़ से अच्छे से पलट दें, फिर उसके बाद इस तरीके से देखिए हमारे पकौड़े बन के रेडी होने वाले हैं। तो ये हम इस तरीके से पौने से ही पलट दिए एक बार में ही। तो इस तरीके से पलटते हुए जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हमारे पकौड़े बिल्कुल भी करारे से बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप इसे एक बाउल एक प्लेट में निकाल लें। तो ये देखिए पकौड़े हमारे बिल्कुल भी अच्छे से बन के करारे रेडी हो गए हैं। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। सेम उसी तरीके का प्रोसेस हमें दोबारा भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैं ये वाले बन के रेडी हो गए तो दोबारा भी उसी तरीके से उसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद सेम चम्मच से ही करना है, आपके हाथों में लगने का कोई चांस ही नहीं होता। इस तरीके से चम्मच से करेंगे तो बहुत ही करारे बनते हैं। और देखिए ये दूसरा वाला भी हमारा इस तरीके से ऐड हो गया, ये भी बन के रेडी हो गया। तो इसे भी हम उसी प्लेट में इस तरीके से पलटते हुए निकाल लेंगे। तो ये भी थोड़े थोड़े अगर साइड से अगर दिखे कि कच्चे दिख रहे हैं तो ये इसी तरीके से आप पका लें। तो ये भी बनके रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि ये हाथों में कितने अच्छे से टूट जा रहे हैं, बिल्कुल भी करारे से बने थे। तो आप भी इस तरीके से बनाएं। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए ये कितना अंदर तक भी पूरा फ्लेवर अच्छे से पक जाता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, बिल्कुल झटपट से बना के रेडी करने वाला ये पकौड़ा बहुत ही आसान होता है। तो आप भी बनाएं। तो अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।